बीजेपी प्रत्याशी के प्रचार में विधानसभा अध्यक्ष ने कराहल क्षेत्र में की नुक्कड़ सभाएं, ग्राम परतवाड़ा में किया भोजन। विजयपुर विधानसभा उपचुनाव को देखते ही देखते बेहद दिलचस्प मोड़ पर आ गया है, जहां बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल इस चुनाव को जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं। जहां एक और सीएम डॉक्टर मोहन यादव लगातार विधानसभा में आ रहे हैं, तो वहीं विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर भी गांव गांव पहुंचकर बीजेपी प्रत्याशी रामनिवास रावत के समर्थन में वोट मांग रहे हैं। आज बुधवार को भी नरेंद्र सिंह तोमर ने कराहल क्षेत्र में कई नुक्कड़ सभाएं की। इसी क्रम में नुक्कड़ सभा ग्राम परतवाड़ा में रखी गई थी, जिसकी पूरी तैयारियां कराहल मंडल महामंत्री बंटी चौहान द्वारा की गई। सभा में अच्छी खासी भीड़ भी आई हुई है। नरेंद्र सिंह तोमर का काफिला जैसे ही वहां पहुंचा, ढोल नगाड़ी और आतिशबाजी के साथ उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। श्री तोमर ने वहां चुनावी सभा ली और जनता से बीजेपी के पक्ष में वोट डालने की अपील की। जिसके बाद परतवाड़ा में सवाईलाल कुशवाहा के घर पर विधानसभा अध्यक्ष ने भोजन किया और परिवारजन से मिले, उनका हाल चाल जाना। कराहल से संवाददाता अमित कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। बंटी जी, क्या कार्यक्रम है आज परतवाड़ा? आज हमारे माननीय विधानसभा अध्यक्ष, हम सबके लोकप्रिय नेता परमादरणीय नरेंद्र सिंह जी तोमर का दौरा है इस बरगमा और सिलपुरी सेक्टर में। वो आज रामनिवास जी के समर्थन में नुक्कड़ सभाएं के माध्यम से, रोड शो के माध्यम से उनके समर्थन में मतदाताओं से अपील कर रहे हैं कि वो अधिक से अधिक मत डालें और भाजपा को यहाँ से विजयी घोषित करवाएं। कैसा लग रहा है, कैसा चुनावी माहौल है, 6 दिन और बचे हैं मतदान के? माहौल बहुत अच्छा है, हमारे पक्ष में है, भाजपा के पक्ष में है और इसमें कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं है। भाजपा इस चुनाव को पूर्ण रूप से जीत रही है। कल क्या मुख्यमंत्री भी आने वाले हैं कराहल में? कल मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम तो प्रस्तावित है, अभी हमारे पास कार्यक्रम आया नहीं है, पर है, प्रस्तावित है। भाजपा के क्या मुद्दे हैं अभी, क्या और विकास होना बाकी है? अब भाजपा वैसे तो लगातार आप देख रहे होंगे, लाइट की समस्या हो, रोड की समस्या हो, पानी की समस्या हो, लगातार सरकार अच्छे काम कर रही है। कांग्रेस के टाइम में तो लाइट चिमनी की तरह जलती थी, आज हर 10 किलोमीटर के अंदर फीटर है और लाइट की अच्छी व्यवस्था है, सड़कों की अच्छी व्यवस्था है, पानी की अच्छी व्यवस्था है। परतवाड़ा से क्या स्थिति रहेगी? परतवाड़ा से भाजपा जीतेगी। जिंदाबाद।